Yes, जय। come forward. यस एम आई ऑडिबल? Yes. ओके पीबीएस परिवार के सभी मेंबर्स को, पीआर सर को मेरा जय भीम। आज 3 जनवरी के दिन क्रांतिकारी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म जो हम मना रहे हैं, उस उन्हीं को ध्यान में रख के और हमारी जो धरोहर थी, हमारी जो धरोहर थी ग्रेट अशोका, ग्रेट एम्पायर अशोका, इन्हीं को साथ में लेके माता सावित्रीबाई फुले ने उनकी जो बात थी उन्हीं को ध्यान में रख के अपने जीवन में जो कुछ काम किया है, अपने जीवन में जो बहुत सारा बदलाव किया है, उसी को आज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले अगर मैं अशोका के बारे में बोलना चाहूंगी थोड़ा बहुत, ग्रेट एम्परर जो अशोका थे, जो जिन्होंने मौर्य साम्राज्य चलाया था, वो मौर्य साम्राज्य कहाँ तक था? तो अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य वो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और इंडिया के अंदर साउथ जो केरला है वहां तक उनका अपना एम्परर था। अशोका को ध्यान में रख के ये बात सोचनी, ये बात समझनी है कि इनका इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो उन्होंने कैसे गवर्न किया, उन्होंने इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया, उसका गवर्नेंस कितना पावरफुल होगा तब जाके इतना बड़ा साम्राज्य वो चला पा रहे थे। ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात अशोका की जो हमें अपने जीव हमें ये सिखाती है कि इतना बड़ा साम्राज्य था जिसकी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम सबसे बेहतरीन थी, इसका बेहतर उदाहरण है नालंदा विश्वविद्यालय, जहां विदेश से पढ़ने आते थे, जहां विदेशी लोग पढ़ने आते थे और वहां पढ़ाते कौन थे? बौद्ध लोग, वो सब वहां पे अच्छी शिक्षा देते थे। दूसरी बात, उनका टैक्सेशन स्ट्रक्चर था, उनकी जो गवर्निंग पॉलिसी थी उसमें टैक्सेशन था, सभी को टैक्स देना था और पूरे वर्ष में एक बार ही देना था, उसमें कोई चोरी नहीं थी, वो भी आज मैंने बुक में पढ़ा। तीसरी बात अगर देखा जाए तो उनकी टाउन प्लानिंग एकदम बेहतरीन थी, उनकी टाउन प्लानिंग बेहतरीन थी। चौथी बात अगर देखा जाए तो एजुकेशन लेवल सब में था, किसी एक को नहीं, किसी एक को एजुकेशन देना ये अशोका एम्परर में नहीं था, सभी के लिए शिक्षा नीति थी। ये सब चीज जो अशोका के साम्राज्य में था तभी जाके ग्रेट अशोका इतने बड़े साम्राज्य का राजा बन पाया या फिर ग्रेट अशोका कहलाया। ये हमारी धरोहर थी और हमें इसे वापस लानी है। अभी हम देखें तो इन्हीं को ध्यान में रख के हमारे जो महापुरुष थे या हमारी जो कुछ ऐसी वीरांगनाएं थी उनके बारे में अगर हम बात करें तो झलकारी बाई थी, उनके बारे में अगर बात करें तो हमारी आज जिनका जन्म हुआ है वो कवियत्री क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले
एक ऐसी चिंगारी थी, एक ऐसी मशाल थी जिन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम किया। ये सब काम उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मार्गदर्शन से और उन्हीं के साथ चलते किया। क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में मैं दो शब्द यहाँ कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही जो कठिनाई के समय में काम किया है, जिस समय भारत देश में पूरी आंधाधुंधी थी, या फिर हम कहें कि पूरा जो वातावरण था वो उसका कोई उसमें से कुछ अगर हम चाहें तो भी निकाल नहीं सकते, इस टाइप का वातावरण पूरे समाज में फैल रहा था। उसी समय में एक मशाल के स्वरूप में ज्योतिबा फुले ने जो काम किया, तो वो काम दो उनके जो दो गुण थे, एक उनकी दीर्घ दृष्टि और दूसरा उनका काम करने का साहस, ये दो गुण होने के कारण उन्होंने इतना बड़ा समाज परिवर्तन का काम किया। और जैसे कहा जाता है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, तो चैरिटी बिगेन्स एट होम को ध्यान में रख के उन्होंने अपने ही पत्नी को पहले पढ़ाना चालू किया। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को बोल दीजिए आइए आप हमारे साथ जुड़िए, हम अपने घर में से किसी को नहीं बुलाते, हम जुड़ते हैं, दूसरों को नहीं कहते अपने घर में से। लेकिन ज्योतिबा फुले ने उस समय में जब बहनों को घर से बाहर निकलना एक बुरा माना जाता था, एक कुरिवाज के दौर पे माना जाता था, वो सब बंद करके अपनी ही पत्नी को पढ़ाया। एक अनमोल जोड़ी क्रिएट हुई गुरु और शिष्य की यहाँ पे, और फिर वहीं से चालू हुआ क्रांति क्रांति ज्योति सावित्री बाई फुले का सफर। उन्होंने अपने ही हस्बैंड से पढ़ाई की, फिर उन्होंने देखा कि मैं तो पढ़ पाई लेकिन समाज की हर बच्चियां नहीं पढ़ पाती, खास करके शूद्र और अति शूद्र। उन्होंने शूद्र और अति शूद्र सभी बच्चों बच्चियों के लिए स्कूल चालू करना चाहा, और उन्होंने उस समय पे एक ऐसा टाइम था कि बोलना भी शूद्र और अति शूद्रों के लिए कठिन था, पर उस समय पे उन्होंने स्कूल चालू की। मैं आज उनको नमन इसलिए करना चाहती हूँ कि आज उन्होंने जब ये प्रयास किया था तो आज जाके मैं एक टीचर हूँ। तो उन्होंने उस समय पे ये स्कूल चालू की। ये जो समय था बाल विवाह का, उन्होंने बाल विवाह को नाबूद करना चाहा, उसके लिए बहुत सारा प्रयास किया। ये जो समय था विधवाओं को परेशान करने का, तो उन्होंने उनके लिए भी अपनी चिंगारी जलाई और मशाल जलाई, और उस बात में भी वो सक्सेसफुल रही। ये समय था जब पूरे देश में कुरिवाज कुरीतियां अंधाधुंधी सब फैल रही थी, तो उस समय पे उन्होंने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया। और उसी के साथ उन्होंने ये भी जाना कि सिर्फ ये सब काम करना ही काफी नहीं है, लिखना भी जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि जो जैसे मीडिया जो है वो एक एक पिलर है, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें एक पिलर है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर भी डेवलप किया। उन्हीं की कुछ कविताएं जो हैं वो यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूंगी। मैडम, आप 1 मिनट में कंक्लूड कीजिए, आपका टाइम हाँ, खत्म हो रहा जस्ट है। उसी को ध्यान में रख के, यस आई विल कंक्लूड इट, जस्ट वेट। ओके मैम।
कौन कौन मैडम? उनकी एक लाइन थी सर, एक मिनट, उनकी एक लाइन थी, स्वाभिमान से जीने हेतु बेटिया पढ़ो लिखो खूब खूब पढ़ो, पाठशाला रोज जाकर नीत अपना ज्ञान बढ़ाओ, हर इंसान का सच्चा आभूषण शिक्षा है, हर स्त्री का शिक्षा का गहना पहना है, और पाठशाला जाओ। ये सब बात उन्होंने कही, और इन्हीं को ध्यान में रख के मैं आज के रिलेवेंस में ये कंक्लूड करना चाहूंगी कि हमें क्या करना है। हमें अपने जो SC ST OBC जो बहुजन समाज है उनका एजुकेशन लेवल डेवलप करना है। हमें जो अभी भी कुरीति और रिवाज है हमारे हमारे बहुजन समाज में, उनको निकालना है। अभी भी हम जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें हम कहीं पे भी नहीं है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग जॉब करते हैं वो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हमें बढ़ाना है। हमें अपना पॉलिटिकल ग्रोथ है वो भी करना है। हमें जो हमारे कुछ भाई हैं, हमारे कुछ बंधु हैं, वो जो पीछे हैं उनको आगे ले जाना है, और उन्हीं को ध्यान में रख के ये सब काम करना है। तभी हम ये जो प्रेजेंट सिनेरियो का की जो बहुत सारी ऐसी दुविधा है उनको दूर कर सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम। यस धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आवाज आ रही है, ये डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। नारसिंह की देखिए डिस्टरबेंस कहां से आ रहा है।